हेलो गाइस, आज हम निकले हैं सांगारानी, बानोड़ा बालाजी और जोगड़िया माता के टूर पर। तो हम अपने दोस्तों के साथ बाइक से जो है दो बाइक लेके हम निकले हैं और आपको जो है इस वीडियो में कंप्लीट सांगारानी, बानोड़ा बालाजी और जोगड़िया माता का जो है टूर करवाने वाले हैं। तो अभी हम अपने गांव से जो है प्रस्थान कर रहे हैं, जंगल से होते हुए जो है हम यहाँ पर सांगारानी जो है माता जी का मंदिर यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। ये जो मंदिर है वो जंगलों के बीच में जो है बना हुआ है और बहुत ही फेमस जो है माता जी का मंदिर है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये जो है माता जी का मंदिर है। ये अपने फ्रेंड्स साथ में आने वाले, यहाँ पर जो है प्रवेश द्वार से होते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है माता जी विराजमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं माता जी का। गुजर समाज के जो है वो पे इनकी आराधना या पूजा करते हैं। यहाँ से हम फिर पिछले तरफ जो जंगल बना हुआ है जहाँ पर पानी का एक नाला भी बना हुआ है, यहाँ से होते हुए हम ऊपर की तरफ एक यहाँ पर जो संत रहते थे उनकी यहाँ समाधि बनी हुई है, तो हम उनके दर्शन भी कर रहे हैं। अब साथ में यहाँ पर जो है कुछ सेल्फी वगैरह भी हम जो है ले रहे हैं और फिर यहाँ से हम जंगल का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत जंगल का नज़ारा है। यहाँ से हम जैसी बेगू की तरफ रवाना होते हैं तो ये जो रास्ता है ये बस्सी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी अभ्यारण्य का ये रास्ता है। यहाँ से होते हुए हम जो है सांगारानी से अनोपुरा होते हुए बेगू की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो रास्ता है जंगल के अंदर जो है अति सुरम्य रास्ता है। यहाँ पर हमारे दोस्त जो है रुके हुए हैं और आप देख सकते हैं ये दोस्त जो है बाइक पर बैठे हुए हैं और अब हम यहाँ से जो है आगे प्रस्थान करने वाले हैं। जंगल के अंदर अब ये जो है रोड आ चुका है, पहले हम कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, अब रोड से होते हुए जो है हम बेगू के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं अभी और जल्दी ही जो है हम बेगू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बेगू से हम जो है जोगड़िया माता के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बेगू ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर ही है, तो हम जल्दी ही बेगू के अंदर आने वाले हैं। अभी हम बेगू के अंदर एंट्री हो चुके हैं। ये बेगू के बाहर की तरफ स्कूल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम बेगू के यहाँ चौराहे पर आ चुके हैं और यहाँ से जो है हमें सब्जी मंडी में जाना है, थोड़ा काम है इसलिए हम जो है चौराहे से सब्जी मंडी की तरफ निकलेंगे। सब्जी मंडी पर जो है एक दुकान पर जो है हमको थोड़े कपड़े लेने हैं इसलिए हम वहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ बीच बाज़ार में से होके ये रास्ता जा रहा है, दोनों तरफ जो है दुकानें बनी हुई है इस रास्ते में और सबसे पहले हम बस स्टैंड पर पहुँचेंगे। देख सकते हैं ये बस स्टैंड का अद्भुत नज़ारा है। ये बेगू का जो है बस स्टैंड है हमारे पास जो है दो बाइक थी और पांच हम फ्रेंड्स थे टोटल। तो ये बेगू के बस स्टैंड पर आ चुके हैं अभी हम। यहाँ से जो है हम इस रास्ते सामने वाले रास्ते से होकर सब्जी मंडी में प्रवेश कर लिया है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है सब्जियों के ठेले लगे हुए हैं और ये बेगू की जो है सब्जी मंडी है। फिर जैसे ही हम वहाँ से फ्री होकर हम जोगड़िया माता के लिए निकल चुके हैं और जोगड़िया माता का जो ये रास्ता है ये भी जो है जंगल से होकर ही गुजरता है। छोटे छोटे गांव जो है इसके बीच में पड़ते हैं और अभी जो है 11-12 बजे का समय है तो वातावरण भी थोड़ा मनमोहक है। यहाँ से जो है बहुत सारे पैदल यात्री आप देख सकते हैं जो है यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब ये जो गांव है ये जस्ट बेगू के घाटे के नीचे ही है। अब यहाँ से हमारा जो है जोगड़िया माता का घाट सेक्शन जो है आरंभ हो रहा है, तो हम इस घाट के दर्शन करते हुए जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से जो है एक घुमावदार मोड़ है और यहाँ पर हमको ऊपर चढ़ना है।
बिल्कुल जंगल में जो है ये घाटा बना हुआ है, और इसको जोगनिया माता के घाटे के नाम से भी जो है जानते हैं। ये घाटे पर हम चढ़ाई कर रहे हैं। इस घाटे से जो है 2-3 किलोमीटर दूर ही जो है मंदिर बना हुआ है, और पैदल यात्री भी जो है बहुत सारे जा रहे हैं अभी, क्योंकि नवरात्रि का समय है, इसलिए जगह जगह जो है भंडारे और पानी की व्यवस्था भी की गई है। अब जो है समतल जगह पर हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो बहुत सारे वाहनों से और पैदल भी जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं, और माता जी के दर्शन करने के लिए जो है सभी जा रहे हैं। यहाँ से हम एक और घाटा जो है, ये टन है घाटे का, वो चढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर समतल जगह जो है आने वाली है। आगे आप देख सकते हैं ये जो है घाट के नीचे का जंगल है, और बहुत ही घना जंगल है यहाँ पर, और ये पहाड़ी पर जो है मंदिर बना हुआ है, और हम बस थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर यानी कि जोगनिया माता जो है हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर रोड जो है वो अब अच्छा बना हुआ है, और आराम से हम जो है यहाँ पर जा सकते हैं। बेगू से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर ही है ये मंदिर, और अगर हम चित्तौड़ से कोटा हाईवे पर आते हैं तो वहाँ से मीनाल से जो है 5-6 किलोमीटर पर यह मंदिर आ जाता है। अब आगे आप देख सकते हैं ये जंगल एरिया है, पूरा का पूरा जो है जंगलों के अंदर जो है ये स्थान स्थित है। इसके बाद हम अब यहाँ पर जो है ये डीजे भी जो है यहाँ चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो है एक घाट सेक्शन है, जहाँ का इसी के ऊपर जो है ये रास्ता बना हुआ है, और अभी जो है हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, और मंदिर जो है हमको दिखाई दे रहा है। हमारी राइट साइड में जो है वो मंदिर बना हुआ है, और ये घाट के ऊपर और नहीं नीचे होके बीच में जो है स्थित हैं, और अभी मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो काफ़ी नया जो है मंदिर का लुक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो है पार्किंग की जो है अरेंजमेंट भी जो है कर रखा है, क्योंकि अभी नवरात्रि में जो है वाहन काफ़ी संख्या में आते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर अब मेले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और अभी नवरात्रि में जो है यहाँ पर मेला चल रहा है, काफ़ी यहाँ पर दुकानें हैं, हम आपको बताएंगे सारी दुकानें। अभी यहाँ पर जो है पार्किंग के लिए जो है अरेंजमेंट कर रखा है, तो हम अपनी गाड़ी को जो है यहाँ पर पार्क करेंगे, और उसके बाद जो है पैदल ही यहाँ से जो हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। अब हमने यहाँ से पैदल प्रस्थान कर लिया है, और हम अपने दोस्तों के साथ जो है दुकानों का सुंदर नज़ारा देखते हुए जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर के पास जाएंगे हम, वहाँ पर दर्शन करके फिर वापस रिटर्न होंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें जो है यहाँ पर लगी हुई है, सड़क के दोनों तरफ काफ़ी यहाँ पर दुकानें हैं, और अभी हम मंदिर के करीब जा रहे हैं। इसके आगे हमको जो है राइट टर्न पर हमने मोड़ लिया है, और अब हम यहाँ पर जो है एक दुकान से जो है हम प्रसाद लेंगे, उसके बाद जो है हम माता जी के दर्शन करने जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, और यहाँ फुहारे भी चल रहे हैं। मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मंदिर तक हमें जो है पहुँचना है, तो हम यहाँ से जो है प्रसाद वगैरह जो है ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ से हमने नारियल और अगरबत्ती वगैरह जो प्रसाद ले लिया है, और अब हम आगे जो है मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं। तो हम यहाँ से होते हुए जो है सबसे पहले हमने जो नारियल लिया है उसको हम जो है यहाँ पर फोड़ देते हैं,
क्योंकि नारियल जो है बाहरी फोड़ के आपको अंदर जाना है। फिर हम यहाँ रेलिंग से होते हुए अब अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। सुबह का समय है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गर्मी की वजह से जो है टेंट वगैरह की भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। और यहाँ रेलिंग से होते हुए जो है हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आप सामने ही जो है मंदिर देख सकते हैं, माता का बहुत भव्य मंदिर जो है ये बना हुआ है। और यहाँ से जो है हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं और अब मंदिर में जो है आपको हम माता जी का दर्शन करवाएंगे। काफ़ी भीड़ है इसलिए जो है यहाँ पर दर्शन के लिए जो है काफ़ी कम समय दिया जा रहा है, तुरंत ही जो है हमको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये बैक साइड से आप देख सकते हैं माता जी के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ है। अब हम जो है यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले हम यहाँ के नीचे के घाट के जो है आपको अद्भुत नज़ारे के जो है दर्शन करवा देते हैं। यहाँ से जो नीचे की तरफ जो घाट बना हुआ है आप देख सकते हैं, नीचे बहुत ही हरा भरा है और जो है बहुत ही गहराई पर जो है ये घाट स्थित है। यहाँ से जो है बहुत सारी जो है बिल्डिंगें वगैरह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ वाले ही रोड से हम यहाँ पर आए हैं और अब हम वापस जो है जोगनिया माता जी से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से जो है हम वापस इसी घाट सेक्शन को उतरते हुए अब हम भानोड़ा बालाजी जाने वाले हैं। भानोड़ा बालाजी यहाँ से जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं। काटुंडा मोड़ जो है वहाँ से होते हुए जो है हम भानोड़ा बालाजी की तरफ प्रस्थान करेंगे। भानोड़ा बालाजी जो है हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का एक प्रमुख मंदिर है, जहाँ पर भी जो है बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन और मंदिर बनाया गया है और वहाँ पर भी जो है प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो है भक्तगण आते रहते हैं। तो हम भी जो है अब जोगनिया माता से अपनी यात्रा पूरी करके भानोड़ा बालाजी की तरफ जो है हम प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से हमारे दोस्तों ने थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया है और अब हम वापस जो है भानोड़ा बालाजी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो रास्ता है ये काटुंडा से भानोड़ा बालाजी के बीच का है और यहाँ से जो होते हुए हम भानोड़ा बालाजी मंदिर की तरफ जाएंगे। वहाँ पर आपको जो है भानोड़ा बालाजी के साथ पशुपतिनाथ और खाटू श्याम के भी जो है दर्शन करवाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है और बहुत अधिक संख्या में मंदिर भी जो है बने हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल अच्छा जो है ये रास्ता है, डबल लाइन का रास्ता है और यहाँ से जो है हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब ये जो है हम भानोड़ा बालाजी पहुँच चुके हैं, यहाँ पर भी जो है बहुत सारे जो है भक्तगण आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ से होते हुए हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है अब हमारी बाइक जो है यहाँ पर जो है पार्किंग करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से हम थोड़ा पानी पी के जो है मंदिर के मुख्य द्वार से हम जो है अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और सभी दोस्त हमारे साथ में ही हैं। अब जो है हम आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर जो है बना हुआ रेलिंग और ये काफ़ी अद्भुत मंदिर है और यहाँ से जो है हम मंदिर के पास जा रहे हैं और मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। ये भानोड़ा बालाजी का मंदिर है, यहाँ पर हमने दर्शन किए और उसके बाद जो है हम इसी के जस्ट आगे एक मंदिर बना हुआ है पशुपतिनाथ महादेव का, तो यहाँ पर भी जो है हम दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हम सामने के एक मंदिर में जो है जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, यहाँ पर ढोल वाले और शादी वाले भी जो है आए हुए हैं, तो यहाँ से हम जगन्नाथ भगवान के भी जो है दर्शन कर रहे हैं। ये जगन्नाथ भगवान के दशावतार का मंदिर है और यहाँ पर पीछे की तरफ एक झूला लगा हुआ है, तो झूले को भी यहाँ पर लोग जो है झूला देते हैं। और
यहाँ से जो है हम फिर वापस नीचे उतरेंगे और एक सामने जो मंदिर बना हुआ है ये एक कुआँ है, यहाँ पर बावड़ी कह सकते हैं। यहाँ से हम एक पास वाले मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना है जिसके अंदर बहुत सारे जो भगवान जो है यहाँ पर विराजमान हैं। आपको हम जो है दर्शन करवाएंगे, जैसे ये हनुमान जी आप देख सकते हैं, ऋषियों की यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं और इसके चारों तरफ जो है हम जो है घूमने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की जो है मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये पीछे की साइड का जो है नज़ारा है इसी मंदिर के अंदर। फिर इसी मंदिर के ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर उसके बाद सेकंड फ्लोर तक जाएंगे। ये जो है अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं जो है यहाँ पर रखी हुई है और फिर हम वापस यहाँ से जो है हम रिटर्न होके वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप हमारे दोस्तों को, ये अब हम ऊपर की तरफ जो है फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन मंदिर स्थित हैं, तो हम यहाँ पर जो है दर्शन करेंगे। यहाँ से नीचे का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये मंदिर बना हुआ है और एक कांच के अंदर जो है भगवान जो है यहाँ पर स्थित हैं। अब हम खाटू श्याम के मंदिर में आ चुके हैं। खाटू श्याम के मंदिर का जो है सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर भी जो है मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है और काफ़ी मनमोहक जो है ये मंदिर हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो है लकड़ी के कलर में जो है डिज़ाइनिंग की गई है जो काफ़ी मनमोहक हैं। और आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल खाटू श्याम के मंदिर की तरह ही मंदिर बना हुआ है। अब जो है यहाँ पर एक इन्वर्टर हाउस भी है जो लाइटिंग के लिए जो है यहाँ पर लगवाया गया है, बहुत ही सारी बैटरियाँ इसमें शामिल की गई हैं। यहाँ से नीचे का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं आप, दूसरी तरफ का ये लेफ्ट साइड का नज़ारा है और यहाँ पर पार्क वगैरह गार्डन बनाए गए हैं। ये ऊपर की तरफ का मंदिर है और नीचे जो है बहुत ही सुरम्य गार्डन है यहाँ पर। और उधर आगे आप देख सकते हैं ये यज्ञशाला है, यहाँ पर जो है हवन वगैरह जो होते हैं। और फिर जो है हम यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे और अब जो है हम वापस घर की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ से वापस जंगल के रास्ते से होकर ही जो है घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। वापस जिस रास्ते से हम आए थे उसी पर जो है हम वापस जा रहे हैं। बहुत ही जंगली इलाका जो है ये होने वाला है। यहाँ से जो है हम बेगू होके बानोड़ा बालाजी से बेगू और बेगू से हम फिर जाट पहुँच कर जो है वहाँ से हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये जंगल का जो है अद्भुत नज़ारा है और अभी शाम का जो है 5-6 बज चुकी हैं, तो अब हमको घर भी जाना है वापस। तो ये रास्ता भी जो है काफ़ी लंबा है, यहाँ से घर जो है 20 या 25 किलोमीटर दूर होने वाला है। अभी हम जाट के जो है बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। आपको जो है जाट के जो एक घुमावदार मोड़ है उसके भी जो है आपको हम अभी बताएंगे, वो भी एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और जाट के बिल्कुल करीब ही है बेगू वाले रास्ते पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जंगल के अंदर जो है रास्ता बना हुआ है। यहाँ से जो है हम बस जाट के बिल्कुल करीब ही हैं और जाट जो है एमपी के अंदर आता है, नीमच ज़िले के अंदर ये आता है गांव। और यहाँ से हम बस इस घाटे को उतर कर जो है अब हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारा घर जो है यहाँ से ये जाट का जो है बस स्टैंड है और यहाँ से हम डायरेक्ट अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। गोल डूंगरी से होते हुए हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे और बस हमारा घर यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर ही है। तो हमारे दोस्त
क्यों साथ में जो है अपने जोगनिया माता बनोड़ा बालाजी और सांगा रानी के दर्शन किए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।